तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों एक और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हम आपके सामने लेकर के आ गए हैं हमारे एनवायरनमेंट लॉ का। क्वेश्चन है दोस्तों कार्बन ट्रेंडिंग क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, क्योटो प्रोटोकॉल में प्रदूषण कम करने के दो तरीके सुझाए गए थे। इस कमी को कार्बन क्रेडिट की यूनिट से नापा जाता है। एक कार्बन यूनिट एक टन कार्बन के बराबर है। इन तरीकों में पहला था कि अमीर देश क्लीन डेवलपमेंट मेकअप मैकेनिज्म से पैसे लगाए या फिर बाजार से कार्बन क्रेडिट खरीद ले। मतलब अगर विकसित देशों की कंपनियां खुद ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी न ला सके तो विकासशील देशों से कार्बन क्रेडिट कर लें। चूंकि भारत और चीन जैसे देशों में इन गैसों का उत्सर्जन कम होता है, इसलिए वहां कार्बन क्रेडिट का बाजार काफ़ी बड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, कार्बन ट्रेडिंग का मतलब होता है दोस्तों कार्बन का व्यापार। ठीक है, कार्बन का व्यापार, इसको थोड़े से मैं अपने शब्दों में बता देता हूँ। देखिए, एक देश है हमारा भारत, ठीक है, और एक देश है अमेरिका। ध्यान देना, देखिए अमेरिका जो है वो डेवलप्ड देश है, लेकिन हमारा जो है, ठीक है, वो अभी डेवलपिंग चल रही है। मतलब कि हमारा जो है विकासशील है, ठीक है, और ये विकसित हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या, ठीक है, अब क्या है कि जो इंडिया है और अमेरिका है, ठीक है, ये तो है डेवलप्ड, ठीक है, और ये डेवलप्ड हुआ नहीं है, डेवलप हो रहा है। मतलब कि विकासशील है और ये विकसित देश है। तो दोस्तों अब मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि सपोज करो कि एक 1K टन, ठीक है, 1K टन कार्बन है। 1K टन कार्बन मतलब 1K टन पेट्रोल है। ध्यान रखना, एक कार्बन में गैसें आती हैं, ठीक है, तो चलो गैसों का ही ले लेते हैं। 1K ऑक्सीजन है, 1K टन मतलब कि 1000 टन ऑक्सीजन है पूरी भारत में और पूरे देशों में, जितनी भी पूरी दुनिया है उसमें इतनी ऑक्सीजन है। अब क्या होगा दोस्तों कि यहाँ पर जो अमेरिका है वो डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है, और यहाँ पर है जो अभी डेवलप हुई है विकासशील है। देखिए दोस्तों, कार्बन ट्रेडिंग क्या होती है। कार्बन ट्रेडिंग होती है, ठीक है, जैसे कि एक देश है इंडिया और एक देश है अमेरिका, ठीक है। अब एक चीज दोनों में फैक्ट करना, हमारा जो भारत है वो विकासशील देश है और अमेरिका जो है वो विकसित देश है, ठीक है। अब पूरी दुनिया में जो कार्बन है, ठीक है, जो गैसें हैं, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट, जैसे LPG है, ठीक है, ये सभी जो गैसें उपयोग में आई जाती हैं उद्योग को चलाने के लिए। ध्यान रखना, उद्योग को चलाने के लिए जिन गैसों की आवश्यकता होती है, ठीक है, जैसे LPG की आवश्यकता होती है, अभी तो गाड़ियां मशीनें सारी उसी से चल रही हैं, ठीक है। तो अब ध्यान रखो कि यहाँ पर 100K, ठीक है, 100K मतलब कि 1000 टन गैस है, ठीक है, पूरे देश में। अब क्या है कि ये जो 100K जो टन गैस है, इसको सभी देशों में 200 देशों में बांट दिया गया है, ठीक है, 200 देशों से इसको भाग कर दिया गया है 1000 टन को। तो इसमें 2-2 हज़ार, ठीक है, नहीं 5-5 हज़ार, ठीक है, 5K टन गैस सभी देशों के पास में आ गई। देखिए अब जो विकसित देश है दोस्तों, ठीक है, विकसित देश है, उसने क्या कहा है, ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक वो होता है क्योटो प्रोटोकॉल जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, ठीक है, एक मीटिंग हुई थी, उसमें क्या कहा गया था, उसमें ये कहा गया था कि भैया जो भारत है, जो इंडिया है, ठीक है, 5000 टन इसको चाहिए हर साल, 5000 टन अमेरिका को चाहिए। चूंकि अमेरिका तो विकसित हो चुका है, वो तो डेवलप्ड है, लेकिन भारत डेवलप नहीं है, ठीक है, तो अब भारत को क्या है कि भारत डेवलप्ड है नहीं, इस वजह से वो अभी रनिंग में काम चल रहा है, ठीक है, तो इसको यहाँ पर कम गैस की आवश्यकता होगी। लेकिन जो ऑलरेडी डेवलप्ड है उसमें बहुत सारी कंपनियाँ इंडस्ट्रियल उद्योग बन गए हैं, तो यहाँ पर जो इसकी जो कार्बन है इसकी खपत ज़्यादा है। तो इसने क्या किया है कि भाई हर साल दोनों देशों को सेम टू सेम मिलेगा, 5000 टन इसको मिलेगा, 5000 टन इसको मिलेगा, क्योंकि ये एक नियम है। लेकिन अब क्या करना है कि इंडिया पूरे साल में 5000 को खपत नहीं कर पाता, और ये जो अमेरिका है वो कर लेता है 7K,
मतलब 7,000 टन की खपत कर लेता है। तो उन्होंने ये कहा है कि इसमें जिसमें जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जो नियम है उसके अकॉर्डिंग सबको 5,000 टन कार्बन ही मिलेगा, ठीक है, या ईंधन है, ईंधन मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हो भैया, तुम जो देश ऐसे हैं जो पूरे साल में कम ईंधन को खर्च करते हैं या खपत करते हैं, तुम उनसे वो ईंधन को खरीद लो, उनके हिस्से का जो है उसको तुम खरीद लो, ठीक है, और कहीं और उनके हिस्से का खरीद लो, ठीक है, ताकि ये बैलेंस बना रहे, ठीक है दोस्तों। तो इसको बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग। अब ये क्या करेगा, अमेरिका क्या करेगा, ये भारत से कहेगा भाई तुम्हारे पास में पूरे साल में तुम 3,000 टन ईंधन की खपत करते हो, 2,000 टन जो तुम्हें मिलता ही है, ठीक है, वो आपका कुछ नहीं होता, ठीक है, इससे तो अच्छा है कि उसको ऐसे ही रखने से अच्छा है कि आप हमें बेच दो, क्योंकि हर साल तुम्हें तो 5,000 टन मिलना है, 5,000 हमें मिलना है, लेकिन हमारी ज़रूरत ज़्यादा है, तुम्हारी कम है, क्योंकि तुम अभी डेवलप्ड हो रहे हो, जब हो जाओगे तो तुम्हारे पास भी हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, इंडिया जो भारत है वो कुछ पैसे बताएगा कि भाई हम इतने पैसे में इतने हिसाब से आपको देंगे, ठीक है, तो उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया उससे खरीद लेगा। और किसी और देश को ज्यादा जरूरत है, जैसे रूस को ज्यादा जरूरत है ऑस्ट्रेलिया से, तो ऑस्ट्रेलिया उससे अमेरिका से ज्यादा जरूरत है रूस को, तो रूस क्या करेगा इसमें, रूस उससे ज्यादा पैसे लेकर के भारत का वो खरीद लेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कार्बन ट्रेडिंग, मतलब कि कार्बन का व्यापार, ईंधन का व्यापार अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। यह क्योटो प्रोटोकॉल में आपको बताया गया, आप उसको जाकर के भी पढ़ सकते, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आई होप कि आप समझ में आ गया होगा, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट है पर्यावरण के दृष्टि से, ठीक है, चलिए जय हिंद दोस्तों।